हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग इज हेयर। आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ एक DIY फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं, आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जा रही है, डल हो जा रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, तो बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ अपनी स्किन से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक समर के लिए DIY फेस मास्क रेडी किया जाए, कुछ बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके जो आपके डेली डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते रहते हैं, तो उन्हीं सब का मिक्सचर करके मैं एक फेस मास्क रेडी करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है एक खाली बाउल। मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले बेसन। जी हाँ, ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है फेस मास्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है बेसन। बेसन जो है वो हमारे स्किन से अगर कोई एक्ने है या कोई फंगल इन्फेक्शन है हमारे फेस पे या स्किन टैन हो गई है तो वो सब रिमूव करता है, स्किन को बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चर देता है और स्किन को बिल्कुल ग्लोई और सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। प्लस अगर आपके फेस पे छोटे छोटे रोएँ हैं तो वो भी आप जब उसे रब करके सर्कुलर मोशन में रिमूव करेंगे अपने फेस से तो वो सारे टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लेना है वो है बेसन। तो अपने अनुसार आप बेसन ले लें, मैं यहाँ पर एक चम्मच बेसन लूँगी। तो बेसन ले लेते हैं खाली बाउल में। ये देखिए, मैंने एक चम्मच जो है वो खाली बाउल में बेसन ले लिया है। अब हम मैंने बेसन जो है वो ले लिया है इस बाउल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे लिकोराइस पाउडर। जी हाँ, मुलेठी पाउडर। या आप देख पा रहे हैं मैंने अल्कुडनेस का लिकोराइस पाउडर लिया है। लिकोराइस जो है मुलेठी, वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके फेस पे मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आप देखते होंगे आपके ब्लैक पैचेस पड़ जाते होंगे, डार्क पैचेस कहते हैं जिसको, और जहाँ जहाँ पे डार्क पैचेस पड़ते हैं वहाँ पे आपका स्किन जो है वो मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। कि अगर आपके स्किन पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये सब एरिया में जो स्किन है वो डार्क हो जाती है अगर, तो उसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो उसको ठीक करने में, उसको क्योर करने में लिकोराइज जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे, आधा चम्मच लिकोराइज पाउडर हम ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही लेंगे। इतना लिकोराइज पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। अब जो थर्ड चीज़ है वो हम लेंगे ऑरेंज जेल। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल लिया है। ऑरेंज जेल जो है वो हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइटनेस इफेक्ट देता है, एक हमारी स्किन को जो है वो ग्लोई इफेक्ट देता है, ग्लोइंग बनाता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जेल। ये मैं इतना ऑरेंज जेल ले रही हूँ और इसको मैं ऐड करूँगी इसी बाउल में। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है पतंजलि का हनी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हनी है। ये प्योर, एकदम प्योर नेचुरल फॉर्म में होता है, 100% जो है वो एकदम प्योर है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, तो इसीलिए मैं फेस के लिए इसको रिकमेंड करती हूँ। तो इसको हम ले लेंगे लाइक आधा चम्मच जो है हनी ले लेंगे हम। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे गुलाब जल के हेल्प से, तो इसमें हम गुलाब जल भी ऐड करेंगे। आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना गुलाब जल ले लें इसमें, और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे मिक्स करते हुए। एक बहुत ही अच्छा स्मूथ और फाइन पेस्ट तैयार करना है मिक्स करते हुए। जितना ज़रूरत हो उतना ही आप ऐड करें, बहुत ज़्यादा ऐड ना करें गुलाब जल, वरना अगर रनी फेस पैक रेडी होगा तो वो फेस पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो एक थिक हमें जो है वो फेस पैक रेडी करना है इसका। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स कर लिया है। ये देखिए जो है ये मिक्स हो चुका है और ये फेस पैक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप और ऐड कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें रनी नहीं बनाना है, कोई भी फेस पैक को रनी नहीं बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी इस फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं ये रेडी है।
तो इसको मैं अभी अब अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मैंने फेस अपना जो है वो वॉश कर लिया है, मेरे फेस पे अभी कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो अभी मैं अपने फिंगर्स से इस फेस पैक को जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो ब्रश के हेल्प से भी, एक क्लीन ब्रश लेकर भी उससे अप्लाई कर सकते हैं, बट आज मैं प्रेफर कर रही हूँ अपने फिंगर्स से अप्लाई करने के लिए। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी सेमी ड्राई हो चुका है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये जो है वो सेमी ड्राई हो गया है। यहाँ पर ये बिल्कुल ही सूख चुका है, यहाँ पर कुछ कुछ गीला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसे अब हम रिमूव करेंगे सर्कुलर मोशन में करते हुए फेस पर, ऐसे इस तरीके से, और इसको हम रिमूव करेंगे अपने फेस। एक बार जब पूरा सर्कुलर मोशन में मसाज कर लें तो आप इसे जो है ठंडे पानी से धो करके क्लीन कर लें। ये जो मैंने सर्कुलर मोशन पूरे फेस पर जो है अपने रिमूव किया है, पैक को मसाज किया है सर्कुलर मोशन में, अभी जो है मैं ठंडे पानी से अपना फेस को वॉश करके और आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैंने अपना फेस जो है वो ठंडे पानी से धो लिया है, क्लीन कर लिया है, और अभी मैं इसको आप लोग के सामने ही मैं वाइप ऑफ करूँगी। क्लीन टॉवल से जो है अपने फेस को आप पोंछ लें। आपको अपने फेस को रब करते हुए नहीं पोंछना है, आप टैप करते हुए अपने फेस को पोंछ लें। आप देख पा रहे हैं फेस पर जो है कितना क्लियर और ग्लो इफेक्ट अभी ही आ गया है, और मैं फील कर पा रही हूँ मेरे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो आप इसे अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, पिंपल क्लियर हो जाएगी एकदम। अगर एक्ने वगैरह है तो वो सब आपके फेस से जो है वो चले जाएंगे और आपके फेस को एक नेचुरल ग्लो मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को, घंटी का निशान दिख रहा है तो उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।